दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट से दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ज्वाइन 4 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स, ऑलरेडी 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस कार्ड को अभी तक अप्लाई कर लिया है। और दोस्तों इसमें आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है 365 डे में, और आपको इतना ही नहीं 1000 रुपये का गिफ्ट कार्ड भी मिलता है। और साथ में आपको अलग अलग दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ रहता है, जिसमें आप जो है बहुत कुछ यहाँ से अपडेट पा सकते हैं और आप इस ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट में दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। अगर दोस्तों आपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर में फ्लिपकार्ट सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना अकाउंट को लॉग इन कर लीजिएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। अभी आप देखिए यहाँ पे अकाउंट सेक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया है। आपको दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपना अकाउंट में एक आईडी प्रूफ से वेरीफाई कर लेना होगा, आपका KYC कंप्लीट कर लेना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अभी देखिए क्रेडिट ऑप्शन में जैसे कैश लोन भी है, साथ में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी ऑप्शन है। तो फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को अलग अलग ऑफर देते रहता है, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। कार्ड का जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार का ये कार्ड होगा। यहाँ पे फ्लिपकार्ट का ब्रांडिंग होगा, साथ में एक्सिस बैंक का ब्रांडिंग होगा, ये कार्ड का डिजाइन होगा। आप सिंपली यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्वाइप अप मोर डिटेल, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो बता रहा है यहाँ कि 5% अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर से दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर कैशबैक बेनिफिट पे देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1% अनलिमिटेड आपको यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है एवरी वेयर एल्स में, किसी भी ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ में अलग अलग ऑफर आपको मिलते रहता है, तो आप यहाँ से ऑफर की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। साथ में व्यू डिटेल के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखा हुआ है, क्योंकि पहले से ही एक बार ऑनलाइन किया गया था, मतलब अप्लाई किया गया था, लेकिन जब तक आप एलिजिबल नहीं होते हैं तब तक आपको नहीं मिलता है। तो आप जैसे ही दोस्तों अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, अगर नहीं तो फिर नहीं मिलता है। तो आप अपने से चेक कर लीजिएगा, अगर आपका रिजेक्शन हो गया है तो आपको फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा ट्रांजेक्शन करना होगा, आपका सिविल स्कोर अच्छा करना होगा। आप जो है ट्रांजेक्शन ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है कि बाद में आप फिर से जब अप्लाई करेंगे तो आपका दोस्तों फ्लिपकार्ट का जो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होगा उससे एलिजिबल हो जाएगा, फिर आप ले सकते हैं यहाँ से क्रेडिट कार्ड। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। फ्लिपकार्ट का जो भी क्रेडिट कार्ड होगा उसको उसके लिए आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।